हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 2023 की क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में दोस्तों देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज इन इंडियन ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर होंगे दोस्तों, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि क्लास में अगर आप बात कर ले यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चनों की, तो दोस्तों मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, चाहे वो साइंस के हो गए क्वेश्चन हो गए, चाहे दोस्तों पॉलिटी के हो गए, वो चाहे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के हो गए। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक एंड शेयर करिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास में देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में मिल सकता है, या फिर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, जो कि पहला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गोंडवाना कोयला लेमिनेटेड बिटुमिनस कोयला है। एंड सेकंड दोस्तों कहता है, गोंडवाना कोयला नमी, सल्फर और फास्फोरस से पूरी तरह मुक्त है। अब दोस्तों आपको इन दो ऑप्शन को पढ़ के बताना है गोंडवाना कोयले के बारे में कि गोंडवाना कोयला कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक, मतलब कि पहला वाला सही है। बी ऑप्शन कहता है केवल दूसरा। सी ऑप्शन दोस्तों कहता है पहला और दूसरा दोनों सही है। एंड डी ऑप्शन कहता है ना तो पहला और ना ही दूसरा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, राइट। ओके, तो इस तरह से हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर यह बताना है कि गोंडवाना कोयला लेमिनेटेड बिटुमिनस कोयला है, या फिर दोस्तों गोंडवाना कोयला नमी, या फिर सल्फर और फास्फोरस से पूरी तरह मुक्त है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पहला वाला एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है, गोंडवाना कोयला लेमिनेटेड बिटुमिनस कोयला है। अब दोस्तों आपको इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताते हैं, या आपको बता दूं मैं, जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा, प्लस दोस्तों संक्षेप में आपको मैं समझाऊंगा भी। जैसा कि यहाँ पर देखें दोस्तों लिखा हुआ है कि गोंडवाना कोयला एक लेमिनेटेड बिटुमिनस कोयला है, जिसके भीतर फीकी और चमकीली परतें बारी बारी से आती हैं। ये कोयला नमी से लगभग मुक्त होता है, लेकिन इसमें सल्फर और फास्फोरस की मात्रा अलग अलग होती है। समानता, गोंडवाना कोयला अच्छा भाप या गैस कोयला है, इसे धातुकर्म कोयला भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा गोंडवाना कोयला जो है उसमें दोस्तों सल्फर और फास्फोरस की मात्रा अलग अलग होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, असम में कार्यरत रिफाइनरी की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों आपको बताना है कि असम में की कार्यरत रिफाइनरी जो चल रही है उनकी कुल संख्या कितनी है, एक, दो, तीन, या फिर दोस्तों चार। और आपको बता दें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार। टोटल चार कार्यरत रिफाइनरी है दोस्तों असम में। अब आपको मैं बता देता हूं उनके नेम। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1901 में डिगबोई रिफाइनरी, एंड 1962 में गुवाहाटी में नूनमाटी रिफाइनरी, देन दोस्तों बोगाई गांव के पास डाली गांव में दोस्तों, एंड नेक्स्ट गए 1962 में नुमालीगढ़, और 1999 में गोलाघाट जिला। दोस्तों ये असम में चार जगह है दोस्तों जहां पर कार्यरत रिफाइनरी है। क्लियर है यहाँ पर, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एज अ चार आपको यहाँ पर बातें बोली गई है। पहली बात बोली गई है दोस्तों लोह अयस्क के बारे में कि लोह अयस्क को गलाने के लिए चूना, पत्थर और कोयला महत्वपूर्ण है। दूसरी बात दोस्तों बोली गई है, विश्व के 20% से अधिक लोह अयस्क भंडार भारत में है। तीसरी बात बोली गई है, लोह अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा और झारखंड सीट्स पर हैं। एंड लास्ट है दोस्तों, ईरान भारतीय लोह अयस्क का सबसे बड़ा खरीदार है। अब दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है दूसरा एंड तीसरा सही है, जो भी कथन बोले गए हैं, स्टेटमेंट बोले गए हैं। एंड तीसरा और चौथा सही है, एंड लास्ट कहता है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा और तीसरा सही है। कहने का मतलब है लो एयर को गलाने के लिए चूना, पत्थर और कोयला महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व के 20% से अधिक लो एयर भंडार भारत में स्थित है, बिल्कुल सही है। लो एयर के उत्पादन में दोस्तों उड़ीसा और झारखंड सीट्स पर है, और ये भी बिल्कुल 100% सही बात है।
अब इसके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं दोस्तों। संक्षेप में बोला जा रहा है, लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। लौह अयस्क को पिघलाने के लिए चूना पत्थर कोयला महत्वपूर्ण है। विश्व के 20% अधिक लौह अयस्क भंडार भारत में है और उत्पादन के मामले में दोस्तों उड़ीसा और झारखंड सीट्स पर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, यह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, बिहार दोस्तों, या फिर असम। आप सभी को पता है पंजाब में तो चाय नहीं होती है, देन हरियाणा और बिहार नहीं होगा। ये तो उसका आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों मैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, यह मुख्यतः असम में उगाया जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में दोस्तों होता है। असम चाय अपनी बनावट, चमकीले रंग, समृद्ध स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। असम के चाय बागान दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की खाड़ी में असम के निचले इलाकों में उगाई जाती है दोस्तों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि, पहला दोस्तों ऑप्शन है इसका विस्तृत शुष्क तट है, एंड बी ऑप्शन इसका तटीय जल अत्यधिक खारा है, सी ऑप्शन है इसमें व्यापक उत्थापन है, और डी ऑप्शन खारे पानी से नमक पैदा करने के अलावा इसमें सेंधा नमक का भी भंडार है। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका विस्तृत शुष्क तट है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको बता दें मैं कि गुजरात पश्चिम भारत की ओर उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र में स्थित है। ओके, इसकी विशेषता अर्ध शुष्क और शुष्क स्थितियां हैं। राज्य का तटीय क्षेत्र वर्ष के अधिकांश समय शुष्क रहता है तथा नमक का उत्पादन अधिक होता है दोस्तों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? दोस्तों बता दें अभ्रक के मामले में दुनिया में दोस्तों सबसे बड़ा भंडारण जो कंट्री आती है दोस्तों वो हमारी भारत है, इंडिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा अभ्रक का भंडारण है। बट यहां पर दोस्तों अब बात पूछी जा रही है क्या कि भंडारण कहां है, तो आपको बता दूं ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दोस्तों ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, भारत में। अगला प्रश्न यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में, ये झारखंड के कोडरमा जिले में है। भारत में लगभग 95% अभ्रक भंडारण जो भंडार है झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी केंद्रीय सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? पहला दोस्तों ऑप्शन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत के महासर्वेक्षक, लास्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, एंड लास्ट ऑप्शन है भारतीय खान ब्यूरो। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एजेंसी खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI खान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय आउटसोर्सिंग के माध्यम से देश में 8.13 लाख वर्ग किलोमीटर भूवैज्ञानिक संभावित क्षेत्र का एरोजियोफिजिकल सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव करता है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कोयला खादान कहां पर थी? दोस्तों आपको बताना है भारत की पहली कोयला खादान कहां पर थी, धनबाद, झरिया, रानीगंज या फिर आसनसोल। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानीगंज। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि रानीगंज भारत की पहली कोयला खादान है। भारत में कोयला खनन सबसे पहले रानीगंज कोयला क्षेत्र से शुरू हुआ। 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन सुमनेर और एस्टोनियस ग्रांट हिटली को इथरो के पास कोयला मिला, जो वर्तमान में शालानपुर सामुदायिक विकास खंड में है दोस्तों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। झारखंड में कोयला खदानें स्थित हैं कहां पर दोस्तों, झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या फिर लोहरदगा में? और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा झरिया में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसा कि यहां पर देखेंगे झारखंड में कोयला खदानें झरिया में स्थित है। झारखंड में धनबाद का झरिया भारत की कोयला राजधानी है, जिसके इसके अलावा आपको गिरिडीह, रामगढ़, दुमका और बोकारो में कोयला खदानें मिलेंगी। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। लौह अयस्क की खदानें स्थित हैं, और पहला ऑप्शन है सलेम, भद्रावती, रानीगंज, हजारीबाग, झरिया, कुद्रेमुख एंड मोनिघर, बालाघाट, हजारीबाग एंड दोस्तों सिंहभूम,
मयूरभंज बस्तर, और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा लौह अयस्क की जो खदानें हैं दोस्तों सिंहभूम मयूरभंज बस्तर में। अब ये कहां पर है इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। देख लेते दोस्तों यहाँ पर लौह अयस्क की खदानें सिंहभूम मयूरभंज और बस्तर में स्थित है। क्लियर है यहाँ पर? जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे क्या है दोस्तों, टिक वो लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तीन तीन ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क या फिर दोस्तों टिन। अब पहला ऑप्शन है केवल पहला, दूसरा और तीसरा, केवल पहला तीसरा, नेक्स्ट ऑप्शन है दूसरा चौथा, एंड लास्ट ऑप्शन है चारों। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों पाए जाते हैं। ओके, जैसे देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले निम्नलिखित खनिज बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क, चारों है दोस्तों। अगला प्रश्न, तुमला पल्ले जहां जुलाई 2011 में यूरेनियम के विशाल भंडार का मिशन था किस राज्य में स्थित है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर दोस्तों गुजरात। सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें तुमला पल्ले आंध्र प्रदेश में स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग ने पुष्टि की है कि उनके उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार हो सकता है। अगला प्रश्न, हीरे की खदान पर ब्लैंक पर काम किया जा रहा है, आपको बताना है कहां पर? हजारीबाग झारखंड में, कोलार कर्नाटक, नेवेली तमिलनाडु, पन्ना मध्य प्रदेश। और दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पन्ना मध्य प्रदेश। ओके, जैसा कि आप देखेंगे पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खदान पर काम किया जा रहा है। भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना में एक सक्रिय हीरे की खदान है जो राज्य के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंहभूम जहां तांबे के अयस्क का खनन होता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर दोस्तों उड़ीसा, कहां पर है ये सिंहभूम? और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ओके, जैसा कि देखेंगे सिंहभूम जहां तांबे के अयस्क का खनन किया जाता है वह झारखंड में है। सिंहभूम कतरनी क्षेत्र खनिज समृद्ध और संभावित आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में सोने की खदानें मुख्य रूप से में स्थित है, कोलार में, रानीगंज में, जादूगोड़ा या फिर दोस्तों वीरानम। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा कोलार में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे भारत में सोने की खदानें दोस्तों मुख्यतः कोलार में स्थित है। इनसे टनों टन सोना पैदा किया जाता है दोस्तों, और इसमें इसी नाम की टाउनशिप शामिल है केजीएफ, जहां एक मुख्य रूप से भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और बीईएमएल पूर्व में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के कर्मचारियों के परिवार रहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों केजीएफ मूवी देखी होगी तो वहां पर आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी केजीएफ वहां पर कितना सोना निकलता है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे गहरी खदान है, जादूगोड़ा खदान, कोलार सोने की खदान एंड सुलादेसी खदान, वेस्ट इरियन खदान। और उसका सही आंसर हो जाएगा कोलार सोने की खदान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको पता है ना कि अपनी मूवी में देखा होगा केजीएफ मूवी में कि कैसे लोग इतनी नीचे जाते हैं सोने के चक्कर में, सोना निकालने के चक्कर में, ठीक है ना, जैसा आपने केजीएफ मूवी में देखा होगा। इसके बाद देखिए थोड़ा उसके बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं। देखिए जैसा लिखा है कि एशिया की सबसे बड़ी गहरी खदान दोस्तों कोलार सोने की खदान है, कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ, जिसको दोस्तों केजीएफ बोलते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड्स। ओके, केजीएफ याद रखिएगा। भारत की प्रमुख सोने की खदानों में से एक थी और यह कर्नाटक के कोलार जिले में बेंगलोर शहर के करीब स्थित है। जमा राशि कम होने और लागत बढ़ने के कारण 2003 में इसे बंद कर दिया गया था। इस खदान को दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक का खनन कहाँ होता है? नसीराबाद राजस्थान में, गया बिहार में, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में या फिर उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, हर जगह होता है अभ्रक का खनन। ओके, जैसा यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में उच्च थोरियम सामग्री के साथ मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? केरल, कर्नाटक, गुजरात दोस्तों या फिर महाराष्ट्र, बताइए। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? जैसे देखेंगे केरल में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है जिसमें थोरियम की मात्रा अधिक है। मोनोजाइट एक लाल भूरे रंग का फास्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ पृथ्वी धातुएं होती हैं। यह आमतौर पर छोटे पृथक क्रिस्टल में होता है। खनिज कठोरता के मोह पैमाने पर इसकी कठोरता
5.0 से लेके 5.5 है और ये अपेक्षाकृत घना है, लगभग 4.6 से 5.7 ग्राम सेंटीमीटर तक। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सा सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, कल्पक्कम, तारापुर, नारोरा या फिर दोस्तों कोटा। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैसा कि बता दें आपको, तारापुर सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। संयंत्र का निर्माण 1962 में शुरू किया गया था और संयंत्र 1969 में चालू हुआ था। 320 मेगावाट के तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 160 मेगावाट के दो उबलते पानी रिएक्टर लगे थे, जो एशिया में पहला था दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में खनिजों से समृद्ध पठार है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या फिर दोस्तों मैसूरू पठार। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर कि भारत में खनिजों से समृद्ध पठार छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है क्योंकि यहाँ अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला जैसे खनिजों से समृद्ध है। ये देश के खनिज उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए भी दोस्तों जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है दोस्तों कहां पर, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर दोस्तों उड़ीसा में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। ओके, जैसा देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है। कोयला भंडार और उसके उत्पादन में झारखंड पहले स्थान पर है। झारखंड राज्य में अधिकांश कोयला क्षेत्र गोंडवाना काल से लगभग 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ पूर्व पश्चिम दिशा तक फैली एक संकीर्ण बेल्ट में स्थित है। राज्य के मुख्य कोयला खनन केंद्र औरंगा, बोकारो, धनबाद, झरिया और गिरिडीह, करणपुर, रामगढ़ और हुटार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता कौन सी है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट या फिर दोस्तों पिट। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है दोस्तों। पहला ऑप्शन, अभ्रक आमतौर पर रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। बी ऑप्शन, एल्युमिनियम को लोहे की तुलना में अधिक फायदा है क्योंकि यह संक्षारण प्रतिरोधी है। अगला और दोस्तों सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। लाइन का उपयोग ज्यादातर लोहे और स्टील के सामानों पर गैल्वेनाइजिंग करने में किया जाता है। ओके, एंड डी ऑप्शन है, मैग्नीज का उपयोग बड़े पैमाने पर उर्वरक बनाने में किया जाता है। और इसका सही दोस्तों जो आंसर होगा, जो इन चारों बातों में गलत बात है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, मैग्नीज का उपयोग बड़े पैमाने पर उर्वरक बनाने में नहीं किया जाता है। जैसा आपको मैं बता दें, मैग्नीज का उपयोग अक्सर इस्पात उद्योग द्वारा डी ऑक्साइडिंग और डीसल्फाइडिंग एडिटिव्स और एक दृश्य धातु घटक के रूप में किया जाता है, ना कि दोस्तों उर्वरक बनाने के रूप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कोरबा उत्तर प्रदेश, रामागुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कावास गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, गुजरात के कावास में थर्मल पावर स्टेशन गैस आधारित बिजली संयंत्र है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 645 मेगावाट है। यह NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के 7 गैस आधारित बिजली स्टेशनों में से एक है। अगला प्रश्न, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, प्राकृतिक संसाधन एंड वास्तविक संसाधन, सी ऑप्शन है संभावित संसाधन एंड लास्ट ऑप्शन दोस्तों है जैविक संसाधन। और इसका सही आंसर हो जाएगा संभावित संसाधन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका वर्तमान में प्रौद्योगिकी, पूंजी, जनशक्ति आदि की कमी के कारण दोहन नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। समझे बात आ गई कि इसको बोलते हैं संभावित संसाधन। अगला प्रश्न, हीरे की खदानें पाई जाती हैं दोस्तों पन्ना मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में, वाल्टियर आंध्र प्रदेश में या फिर दोस्तों अजमेर राजस्थान में। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पन्ना मध्य प्रदेश में, क्लियर है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बाघ अभयारण्य भी है जिसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरे खनन परियोजना पन्ना में हीरे की खदानों का प्रबंधन करती है। अगला प्रश्न दोस्तों,
पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है कि खानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खानों दोस्तों? हीरा के लिए, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था। अगला प्रश्न, कुद्रेमुख की खदानों में से उत्पादित लौह अयस्क निम्नलिखित में से किसे निर्यात किया जाता है? आपको बता दें दोस्तों, कुद्रेमुख की खदानों से जो लौह अयस्क निकाला जाता है उसे किसे निर्यात किया जाता है? मरवगांव को, कोचीन, मंगलोर या फिर दोस्तों चेन्नई, कहां से निर्यात किया जाता है आपको ये बताना है दोस्तों। और इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगलोर से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जैसा कि बता दें आपको, लौह अयस्क खनन पश्चिमी घाट के कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से कुद्रेमुख की पहाड़ियों से किया जाता है। यहां से इसे निर्यात के लिए दोस्तों पाइपलाइन के माध्यम से स्लरी के रूप में मंगलोर के बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान स्थित है श्री मानव लाकुरीची में, एंड गौरी बिदानूर ने वाशी में, या फिर जादूगोड़ा में? और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, जैसा बता दें आपको, यूरेनियम की जादूगोड़ा खदाने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसने 1967 में भारत की यूरेनियम खदान के रूप में कार्य करना शुरू किया था। अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों, सह्याद्री की निरंतरता में एक प्रमुख विच्छेद है डोड़ाबेट्टा, अनामोड़ी चोटी, अनाईमलाई पहाड़िया या फिर दोस्तों पालघाट गैप? और इसका सही आंसर हो जाएगा पालघाट गैप। ओके, जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, सह्याद्री की निरंतरता में एक प्रमुख दरार पालघाट गैप है। ओके, पालघाट गैप दक्षिण पश्चिमी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में प्रमुख एक दरार है। उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अनाईमलाई पहाड़ियों के बीच स्थित ये लगभग 20 मील मतलब कि दोस्तों 32 किलोमीटर चौड़ा है और केरल तमिलनाडु सीमा तक फैला है, जो उन दोनों राज्यों के बीच एक प्रमुख संचार मार्ग के रूप में कार्य करता है। समझे दोस्तों आगे बात? ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं दोस्तों। आज हमने दोस्तों जो भी क्लास यहाँ पर पढ़ी है, जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपी पुलिस 2023 में। आपको बता दे, ज्योग्राफी से दोस्तों जुड़े क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ये मत सोच के जाइएगा कि इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल आएंगे दोस्तों, ऐसे ही सर घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे। और जो कि क्वेश्चन मैंने लिए थे दोस्तों, वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।